आज ये मुझे इतने हजार साल से जोधपुर से करते हैं। ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं प्राचीन, ये इतिहास के साथ इसका। ओ लाडी ओए, तेरी स्नैपचैट बनाऊं। सो बाय उपासना, चलो मिलते हैं। ये हम पहुंच गए क्लोहा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरविंदर सेन व्लॉग्स, आवर न्यू व्लॉग। एंड आज हम लोग जा रहे हैं ज्वाला जी और महाकालेश्वर। तो ये दो जगह आज का वो है, शेड्यूल हुआ है हमारा। और अभी हम क्लोहा पहुंच गए हैं और बस यहाँ से अभी हम शॉर्टकट लेके ज्वाला माता के मंदिर पहुंचे। तो ये अभी हम जा रहे हैं ज्वाला माता के मंदिर। ये से अभी कितनी दूर तक है? 100 मीटर। और ये रिद्धि की नजरें देख रहे हो खिलौनों पे। यहाँ पे ना ये माता की छैया है, मतलब यहाँ मानते हैं कि रोज माता आके सोते हैं सुबह, ये अपने आप से यहाँ से पूरी बिक्री होती है ये पूरी। तो हम पहुंचे दोपहर की आरती के टाइम पे, माता रानी की आरती होगी अब, और अब सब लाइन में दर्शन करने के लिए। हाँ जी, कैसा लग रहा है? और रिद्धि पूरे रास्ते अपने वो देखती आई है, ये इसका बैग। रिद्धि रिद्धि क्या क्या लेना है? रिद्धि रिद्धि और माता के दरबार। मम्मी हम इधर कोने में देखती हूँ। तो ये पहाड़ों में जोत जग रही है और किसी को नहीं पता क्यों कैसे। ये मुझे इतने हजार साल से जोधपुर से करते हैं। ये शहंशाह अकबर ने माता पर छत्र चढ़ाया था माफी मांगने को। और इसमें ना इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए कि आखिर मेटल कौन सा है, किसी को नहीं पता। ये अपने आप टाइम टाइम के साथ बदलता रहता है पूरा। चश्मा चलता है पूरा। ये नहर है, अंदर हमने जोत दिखाई है। अकबर ने ये नहर छोड़ी थी जोतों को बुझाने को, जोत पानी में से निकल गई थी, फिर अकबर ने वो छतर चढ़ाया था यहाँ पे। और ये पानी, ये नहर ऐसे ही रहती है, कहाँ से आता है पता नहीं किसी को। और अब ये दर्शन करके वापस जा रहे हैं हम लोग, दर्शन हो गए, अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर। तो वहाँ हम लोग स्नान करेंगे, क्योंकि जो लोग हिमाचल के उनको पता होगा कि वहाँ पे 2.5 पौड़ी सोने की बनी है ब्यास नदी के अंदर, और पहले वहाँ पे हरिद्वार बनना था, तो वहाँ की भी अपनी एक मान्यता है। और हर शिवरात्रि को वहाँ शिवलिंग आधा इंच जमीन में जाता है। ये रिद्धि को जहाँ भी जाना होता है सबसे पहले रिद्धि को चाहिए खिलौने। अब इसको क्या पसंद आ गया है? ये घर में ये वही क्लिप्स तो हैं जो आपका कल डिब्बी लेके आए हैं। ओ अच्छा, ये सारे लगा रहे वही बैठे। हाँ हाँ, जो आपका डिब्बा पड़ा है रिद्धि, रिंग्स का जो पहनते हो आप। अच्छा वो अच्छा। किचन सेट कितने हैं आपके पास? पता नहीं, पापा ने कहा मैं ढूंढ के दे दूंगा, ठीक है। इसको अच्छे से वो करो, अंदर अंदर देखो, अंदर आओ आओ। ये मूर्ति देखो ध्यान से, ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं प्राचीन, ये इतिहास के साथ इसका संबंध है। इसमें क्या विशेष है आपको मिले कहीं तो हमें भी बताना। इसमें ये है कि गदा ऐसे है ऊपर को, हनुमान जी ने कंधे पे रखी होती है गदा,
तो इस मुद्रा में जो है हनुमान जी, ये क्या मुद्रा है? प्रहार करने की मुद्रा है, पर हरी मुद्रा जिसको कहते हैं। हनुमान जी साक्षात पहरेदार के रूप में विराजित है। तो कहते हैं किसी के पास जाना है तो उसके पहरेदार से आज्ञा लेनी पड़ती है। इनसे आज्ञा लो, अपने मन में कहो, मन में बोलना अपने कि हे बजरंगबली, मैंने माता आदा शक्ति के दर्शन करने हैं, मुझे आज्ञा प्रदान करें। मेरे और मेरे परिवार पर कभी भी कोई जीवन में संकट आए तो प्रभु आप स्वयं ही उसका निवारण करें। और ये हम लोग आए हैं है मम्मी इवनिंग वॉक करने। कैसा लगा हमें हिमाचल? बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, खूब मजा आ गया। जी चाह रहा है ये तो मम्मी का, तो ज्वाला जी के यहाँ से तो आने का मेरा जी नहीं कर रहा था। और ये पहुंच गए हम खड, ये अभी इनका काम यहाँ भी चालू है पूरा। इनको कॉल आ रही है कुछ वीडियो अपलोड के लिए। पापा कैसा लग रहा है? हमें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये रिद्धि पानी के रिद्धि ये पानी ऊपर से आता हुआ। अब आगे जो दृश्य देखने को मिलेगा वो काफी ही अलग होगा। ये चलो 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 हेटर्सविल से, कि जो भाभी है वो अपनी ननद से परेशान हो गई है और भाभी ने फाइनली ठान लिया कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। देखने का नजरिया देखिए कैसा हो सकता है बातों को। हेटर्सविल से कि जानबूझ के की जा रही है। ओ गला नहीं दबाना है। और ये कर दिया कल्याण, ये कर दिया कल्याण। ये बहू ने भींगने के लिए, नहाने के लिए अपनी सास से रबड़ मांगा तो सास ने क्लचर ही निकाल के दे दिया कि जा बहू तू भींग ले, रबड़ मैं नहीं दूंगी, तू क्लचर ले। उसमें देखो वो ठंडे पानी में नहा रहा है, आ जाओ ना तुम। और रानी उपासना इधर आ जा, मेरी शर्ट गिल्ली हो गई, रुक कर दे। रानी उपासना जाते हुए चलो अपने साथ अपनी ननद को लेके जा रही है रानी उपासना। ये रखा है पानी। शाही शाही स्नान के लिए ये आ रहे हो। हेटर्सविल से कि ये अपनी ननद को मारने की कोशिश कर रही है। और ये उपासना की ननद कांपती हुई ये उपासना की ननद कांप रही है। और ये उपासना की साजिश है कि जितनी इसने परेशान किया ना इसकी ननद ने अपनी भाभी को, तो बदला ले दिए हेटर्सविल से कि उपासना अपनी ननद को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर परेशान करना चाहती है ताकि इसकी ननद इससे परेशान हो जाए, है ना बेटा। लेकिन उपासना की ननद मुझे लग रहा है इस पानी को गंदा कर रही है रिद्धि बैठ के ऐसे। रिद्धि सुसु कर रहे हो ना, सच्ची बताना, इधर देखो कर दिया ये, कर दिया ये। उपासना की ननद कांप रही है और इसमें साजिश है ननद की मम्मी की, मतलब उपासना की सास की और उपासना की। और अब उपासना की जो ननद है उसने उपासना के कपड़े पहन लिए। उपासना की ननद ने उपासना के कपड़े पहन लिए। उपासना की ननद कांपती हुई, बेटा इधर देखो, एक बार हेटर्सविल से कि ये उपासना की शर्ट है बट ये रिद्धि का नया फैशन है। ओहो चलो ओ लाडी ओए, तेरी स्नैपचैट बनाऊं, आ तेरी स्नैपचैट बनाऊंगा। और ये ननद के हाथ खड़े हो गए हैं, उपासना की ननद के। क्या हुआ? जब तो अभी तो बड़ा पानी में छपा छप करना था, अब क्या हो गया? छप ये बना गया इग्लू, ये फैशन है। सूसू भी शुरू हो गई है और अब जो भी लोग व्लॉग देख रहे हैं वो कहेंगे कितना इर्रेस्पॉन्सिबल भैया भाभी हैं, ये नहीं पता ननद के कारनामे सारे। पर भैया भाभी तो समझदार है, क्या वो नहीं रोक सकते थे अपनी ननद को पानी में जाने से? पर क्या करें, ननद किसी की सुनती नहीं है। और ये ननद भाभी का प्यार भैया काबू नहीं आ रहे दोनों ननद भाभी। और बताए उपासना ना ननद के बहाने ना फील और ले लेती है। मैं कह रहा हूँ उपासना ननद 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 करके फील ले लेती है बच्चों की।
हाँ? बच्चा है वो, चलो मेरे भी दो हैं। दे ये दो बाजुएं हमने ले लिए ताकि ये गिरे ना, एक एक पकड़ रखे उसकी बाजुएं शॉर्ट के अंदर करवा के। रिद्धि आप ठीक है? बोलो रिद्धि। ठीक है उसका। तो सबको घुमाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस, मतलब उपासना तो यहीं पे रहेगी, पर आज हमारी रात की 8:30 बजे की ट्रेन है, तो फटाफट से पैकिंग, उसके बाद 8:30 की ट्रेन सुबह, कल फिर वो उतारेगी 5 बजे, फिर वही नॉर्मल रूटीन ऑफिस, दैट्स लाइफ। जैसे मैंने कल बताया था, हमारे घर में कुछ भी बन जाए, बट अरुणेंद्र को क्या चाहिए? पनीर की भुर्जी, जो इनके लिए बनाई जा रही है। तो आज का स्पेशल मील है साग, सरों दा साग ते मक्की दी रोटी ते कड़ी, स्पेशल। और तानू की चाहिदा? पनीर। मतलब कहीं ढाबे पे जाओ, रेस्टोरेंट पे पनीर। और रिद्धि का क्वेश्चन था भी मक्की की रोटी कैसी होती है, रिद्धि ऐसी कैसी होती है? बाय मी, बाय बाय। तो ये क्या बोलते हैं उसके विरह के क्षण, पंचमान नहीं है ना, फोन में देखो नोट्स में खोल के, तो ये विरह के क्षण पंच मारने के लिए रीटेक करवाए गए। कब आ रहे फिर वापस? 2 तारीख को, 2 दिसंबर, सॉरी 2 नवंबर, 2 नवंबर, 2 नवंबर, दिसंबर। कितने दिन हो गए? दिसंबर। कितने दिन हो गए? एक हफ्ता। काश ये एक हफ्ता मुझे एक महीने के बराबर लगे। बताओ पंच मारो, कौन सा पंच मारना था? नहीं मानना। अरे मारो मारो पंच, इसे तो रीट पंच करो ना, या भूल गए? ये हमारी ब्लॉगर रिद्धि, क्या हो गया? दोस्तों अभी ना उपासना को ना एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया था, विश मांग रही थी। मैंने कहा अगर ऐसे टूटते तारे को देख के विश मांगे तो मैं रोज टूट के बिखरता हूँ, मुझे देख कर मांग लिया करो विश। पता एक 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 और एक और एक और एक और पता यार, मतलब आज ना जैसे रेलवे स्टेशन का है, जैसे हम कॉलेज वॉलेज जाते थे ना, वैसे हम बस से या फिर कभी एग्जाम देने जाते, ट्रेन से जाते थे, हम कभी गाड़ी से नहीं जाते। पता क्यों? पता क्यों? पेट्रोल के पैसे नहीं थे। क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी। मैं पंच की ऐसा सी कर दी इसने। सो बाय उपासना, चलो मिलते हैं, बाय शंकी, सो गुड बाय। ट्रेन चल रही है, विरह के पल, बाय बाय, मिलते हैं अगले हफ्ते, चलो बाय, ठीक है बाय। हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग यार, सुबह के 5:30 और पहुंच गए हैं घर। बहुत भसूड़ी होती है यार, सुबह के 5:30 बजे आप कैब बुक कर रहे हो रेलवे स्टेशन पे खड़े होके, और सारे कैब वाले ना कैंसिल पे कैंसिल किए जा रहे हैं। और एक दिक्कत और मुझे समझ नहीं आती कि जब जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है ना, तो ये कैब वाले क्या होते हैं, जो मतलब ये उबर ओला वाले क्या करते हैं, सर्ज बढ़ा देते हैं। तो एकदम से जिसके 300-350 रुपये दिखा रहा हूँ, वो सीधा 500-600 रुपये दिखाना शुरू करता है। ऊपर से हम रहते भी नजफगढ़ में, आधे कैब वाले तो नाम सुनते नहीं, भैया कैंसिल कर देंगे, नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो यार ऑटो करके आए, लेकिन फाइनली घर पहुँच गए। पर अब जो है अगले एक हफ्ते ये रूम थोड़ा खाली खाली सा रहेगा, लेकिन ठीक है यार, अभी उपासना काफ़ी दिनों से जो उनका काम वगैरह उसमें बिजी थी, तो थोड़ा सा वो एंजॉय करेंगे, घर पे रहेंगी। तो यार मैं भी फटाफट से सो जाता हूँ, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके बताना बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और यार यूं ही बस हमेशा प्यार बनाए रखना आप लोग अपना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कई लोग यार रहते हैं वीडियो देखते हैं ना, तो लाइक करेंगे ना वो सब्सक्राइब करेंगे, तो यार वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।